मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, घाटशिला कॉलेज, घाटशिला। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन प्रबंध के दूसरे प्रमुख कार्य ऑर्गेनाइजेशन संगठन की चर्चा करेंगे। संगठन क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, संगठन की प्रकृति क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है, और प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जब उद्देश्य निर्धारित हो जाता है, प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है संगठन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि स्ट्रक्चर खड़ा करना, जैसे कि उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सके। एक कंपनी या संस्था या उपक्रम जो भी है, जब वह अपना लक्ष्य और नीति निर्धारित कर लेता है, उसके बाद आवश्यकता होती है उपलब्ध जो भी मानवीय या प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रवाहित करने की, अग्रसर करने की। इस प्रक्रिया को संगठन के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रक्रिया हुई कि हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर मानवीय और भौतिक संसाधनों को सुव्यवस्थित तरीके से अग्रसारित करें, अग्रसर करें, इसी व्यवस्था को, इस प्रक्रिया को ही हम संगठन के नाम से जानते हैं। यह नियोजन के बाद प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों को, जितने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उन व्यक्तियों के कार्यों को इंटीग्रेटेड करना, एकीकृत करना, चाहे व्यक्तियों की संख्या दो हो या हजारों में हो, मतलब दो से अधिक व्यक्ति जहां पर हो, उनमें प्रभावपूर्ण सहयोग के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। दो या दो से जब अधिक व्यक्ति एक जगह काम करेंगे तो उनमें जो है सो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए हमको एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन की आवश्यकता केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ही नहीं होती है, यह गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी विश्वविद्यालय है, अस्पताल है, क्लब है, स्पोर्ट्स है, सभी में संगठन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। बगैर संगठन के हम किसी संस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, कोई संस्था खड़ी ही नहीं होगी जब तक उसमें कोई संगठन नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। खेल का मैदान संगठन संरचना का एक सामान्य उदाहरण है। आप देखते होंगे कि कप्तान अपने खिलाड़ियों को मैदान के भिन्न भिन्न कोनों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार खड़ा करके खेल में समन्वय, कोऑर्डिनेशन और सहयोग पैदा करता है। सभी खिलाड़ी एक ही जगह खड़े नहीं होते हैं, उन जगहों का स्थान निर्धारित होता है और उस स्थान पर से फिर उनका कर्तव्य भी निर्धारित होता है, तो उनको क्या करना है उस जगह पे रह करके। और यह जो है सो अलग अलग स्थान पे खड़ा रह के और अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए वो खेल में जो समन्वय और सहयोग पैदा करता है, जिससे कि उसकी टीम मैच को जीत सके। तो उद्देश्य यहां पर है मैच को जीतना, और उसके लिए यह जो है सो खेल का मैदान विभिन्न खिलाड़ियों के साथ ऑर्गेनाइज होकर के वहां पर पहुंचता है और अलग अलग जगहों से आपसी समन्वय के साथ खेल मैच को जीतने के प्रयास में अग्रसर रहता है। अंग्रेजी शब्द ऑर्गेनाइजेशन, यह ऑर्गेनिज्म शब्द से बना है, जिसका आशय विभिन्न जो हमारे अवयव हैं, विभिन्न अवयव वाली ऐसी संरचना जिसके सभी अवयवों में पारस्परिक संबंध पाया जाता है और यह संबंध संपूर्ण संरचना द्वारा संचालित होता है।
विभिन्न अवयवों का पारस्परिक संबंध और उस संबंध का संपूर्ण संरचना द्वारा शासित होना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है सो मनुष्य का शरीर। मानवीय शरीर एक संरचना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिज्म शरीर जो है, इसमें नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, जो हम देख सकते हैं भी शरीर के अंदर बहुत सारा अवयव है, लीवर है, किडनी है, आंत है, फेफड़ा है, हार्ट है। तो ये सारे अवयव जो है अपना अपना अलग अलग कार्य करते हैं। सबों का कार्य निर्धारित है, सबों का दायित्व निर्धारित है और सारे अपने अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वे अंतर संबंधित है, इंटरनली वो जो है रिलेटेड है, कनेक्टेड है और वे मिलकर कार्य करते हैं। कोई एक अंग अगर काम करना बंद कर देगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा। तो वह अंतर संबंधित है और सब मिलकर कार्य करते हैं। मानव शरीर की भांति ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी उनके कार्यकलापों को विभिन्न भागों में बांटा जाता है, जैसे कच्चा माल का क्रय क्रय विभाग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वस्तु का निर्माण, सेल्स डिपार्टमेंट वस्तु का विक्रय, फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त की व्यवस्था करने वाला, ये आदि जो है सो सारे विभाग होते हैं, ये अवयव के रूप में काम करते हैं। और इन विभिन्न विभागों में क्रियाओं में ऐसा समन्वय, ये जो विभिन्न विभाग हुए इसमें क्रियाओं इसकी क्रियाओं में ऐसा समन्वय कि प्रतिष्ठान अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बगैर किसी कठिनाई के आगे बढ़ता रहे, यही संगठन का लाइन। वास्तव में संगठन प्रबंध का वह तंत्र है, मैनेजमेंट का वह तंत्र है ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से प्रबंध के कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराता है। प्लानिंग इसका पहला काम है, जिसमें उद्देश्य का निर्धारण और कैसे काम होगा ये निर्धारित किया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगठन होता है कि उस कार्य को करवाने के लिए जो हमको विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, विभिन्न विभागों की आवश्यकता होती है जिसमें वो व्यक्ति काम करते हैं, उनके मध्य में प्रबंध जो है प्रबंध का, जिससे कि प्रबंध का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए एक संगठन खड़ा किया जाता है व्यक्तियों का, जिसमें सबों का अपना अपना अधिकार और कर्तव्य और उत्तरदायित्व तय होता है और उसके बीच में ये जो है सुसंगठन एक समन्वय स्थापित करके उस कार्य को प्रतिपादन की ओर ले जाता है, अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। विभिन्न विद्वानों ने संगठन को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है, बहुत सारी परिभाषाएं इसकी अलग अलग विद्वानों ने दी है, उसमें से हम दो एक का यहां पे उल्लेख करेंगे। मैकफरलैंड के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रयासरत एक निश्चित व्यक्ति समूह ही संगठन कहलाता है, मतलब जो लक्ष्य निर्धारित है उसकी ओर प्रयासरत, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित व्यक्तियों का समूह, और निश्चित व्यक्तियों का समूह नहीं, एक निश्चित व्यक्तियों का समूह, वह निश्चित है कि यह व्यक्ति रहेगा उसमें, कोई आकर के कुछ कर लेगा, समूह बना लेगा तो वह ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए उस समूह को, वही संगठन कहलाएगा। दूसरा है हेने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। इसमें भी वही चीज है कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों, यानी जो हमारे पास
दो या दो से अधिक लोगों की जो आवश्यकता पड़ती है, तो वो जो विशिष्ट अंग हो जाते हैं वही उनको उनका मैत्रीपूर्ण संयोजन, उनके आपस बीच के बीच में मैत्रीपूर्ण कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और यही संयोजन जो है, यही जो है सो विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या जो विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन है, मिलन है, योग है, वही संगठन कहलाता है। लुईस एलन ने कहा है कि संगठन किसी कार्य को पहचानने व समूहबद्ध करने, किसी भी कार्य को पहचानने व समूहबद्ध करने, अधिकार व दायित्वों को परिभाषित व अंतरित करने, उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा प्रभावपूर्ण किए जाने हेतु उनके पारस्परिक संबंधों की स्थापना करने वाली एक प्रक्रिया है। इसी तरह से जोसेफ एल मेसी के अनुसार संगठन से आशय एक ऐसी संरचना या प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक सहकारी समूह अपने सदस्यों में कार्यों का आवंटन करता है, संबंधों को सुनिश्चित करता है तथा सामान्य उद्देश्य की ओर क्रियाओं को एकीकृत करता है। इस प्रकार जब हम विभिन्न परिभाषाओं को देखते हैं तो सबों में मिली जुली एक ही बात आती है, और वह है कि संगठन एक ऐसी संरचना या प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक समूह अपने सदस्यों में कार्यों का आवंटन करता है, कार्य को बांटता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो वो जो समूह है उस समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कार्यों का आवंटन करता है, उनके संबंधों को सुनिश्चित करता है कि आपके बीच में क्या संबंध होंगे, कौन क्या करेंगे, कौन किससे जुड़े हुए हैं, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किनका किसके प्रति क्या कर्तव्य है, तो ये संबंधों को सुनिश्चित करता है तथा सामान्य उद्देश्य की ओर क्रियाओं को, जो सबका जो गोल तो सबका एक ही होगा, अंतिम गोल तो लक्ष्य जो निर्धारित हुआ है संस्था की तरफ से वही सबका अल्टीमेट गोल है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर, सामान्य उद्देश्य की ओर जो क्रियाएं हैं, उन सबों की जो अलग अलग क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को एकीकृत करना होता है। अब इन परिभाषाओं को देखने के बाद संगठन की प्रकृति तथा विशेषताएं कुछ उभर कर आती हैं। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रकृति अथवा उसकी विशेषताएं, तो संगठन की प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, या इसकी प्रकृति क्या है, इस पर चर्चा हम लोग करें। ये जो विभिन्न परिभाषाएं जो हम लोग अभी देखे, इसका जो हम लोगों ने विश्लेषण किया, इस आधार पर प्रबंध की प्रकृति अथवा उसकी जो विशेषताएं हैं, इस पर अगर हम गौर करें तो निम्न बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला, लक्ष्य का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्य और संगठन एक दूसरे से संबंधित, लक्ष्य मतलब उद्देश्य और संगठन, यह एक दूसरे से संबंधित है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तो संगठन किस चीज के लिए, इसलिए संगठन के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार ही संगठन की संरचना की जाती है। जिस तरह का हमारा उद्देश्य होगा, जिस तरह का हमारा लक्ष्य होगा, हमारा संगठन की संरचना भी उसी तरह की होगी। यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो संगठन भी प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं होगा। अगर लक्ष्य ही पता नहीं है जो क्या करना है, तो संगठन कहां से इफेक्टिव हो पाएगा, क्या संगठन होगा, किस चीज के लिए होगा, क्या कार्य होगा, क्या प्रयास होगा।
इसलिए संगठन की संरचना जो है वह उस संस्था के उद्देश्य पर निर्भर करता है, उसके लक्ष्य पर निर्भर करता है। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी का लक्ष्य गुणवत्ता में सुधार लाकर आगे आने वाले समय में विक्रय को बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, जो भी लक्ष्य निर्धारित हो, तो कंपनी को एक नया विभाग खोलना पड़ेगा। तो पहले लक्ष्य निर्धारित हुआ कि हमको अपने गुणवत्ता में सुधार करना है, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में सुधार करना है, और उस सुधार के आधार पर हमें अपने बिक्री को बढ़ाना है। तो गुणवत्ता में सुधार हो तो इसके लिए सबसे पहला चीज क्या होगा, लक्ष्य हो गया कि गुणवत्ता में सुधार करना है। अब उसके लिए संरचना क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, संगठन क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको एक नया विभाग जो गुणवत्ता परीक्षा विभाग या गुणवत्ता परीक्षण विभाग हो। हम ऐसे कैसे जान पाएंगे कि हमारी गुणवत्ता में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हमको स्थापित करना होगा। साथ ही जब हम मांग बढ़ाने की, बिक्री बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो बिक्री बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमको मांग बढ़ाना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। और जब हमारी मांग बढ़ेगी तो हमको उस अनुरूप जो है सो बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। तो उत्पादन विभाग में, क्रय विभाग में भी कुछ अतिरिक्त स्टाफ रखना पड़ेगा, या किसी तरह की उसमें और अन्य विधि को अपनानी पड़ेगी। तो ये जो उद्देश्य हुआ हमारा, जो हमको बिक्री को बढ़ाना है, और कैसे बढ़ाना है तो क्वालिटी कंट्रोल करके बढ़ाना है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर में क्या क्या परिवर्तन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या परिवर्तन हो गया, तो एक नया डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रखना पड़ा। उसके बाद जो है सो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़े, उससे पहले हमको जो है सो मार्केट में मांग को बढ़ाना पड़ेगा अपने क्वालिटी के आधार पर। मांग में वृद्धि होगी तो तभी सेल्स में वृद्धि होगी, और सेल्स में वृद्धि तब होगी जब हमारे पास उतने माल की अवेलेबिलिटी हो, उपलब्धता हो, तो उस उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो ये सब चीज जो करना पड़ेगा, तो इसके लिए हर जगह हमको अतिरिक्त कुछ न कुछ करना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा या कोई अन्य विधि को विकसित करना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो है सो संगठन के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले एक लक्ष्य का होना चाहिए, एक उद्देश्य का होना चाहिए। व्यक्तियों के इस प्रकार लक्ष्य के अनुसार ही संगठन का निर्माण किया जा सकता है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक संगठन का निर्माण नहीं हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं हो सकता है। दूसरा है व्यक्ति समूह का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। संगठन की दूसरी विशेषता है, इसका दूसरा स्वभाव है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह होते हैं। संगठन तभी बनेगा ना जब एक व्यक्ति क्या संगठन करेगा, वह तो एकाकी। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जब समूह रहेगा तभी संगठन बनेगा। तो यही है इसकी विशेषता में कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह होते हैं जिनमें उपक्रम के कार्यों को बांटा जाता है, जो आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आप इसके प्रति उत्तरदायी हैं और आप इसके प्रति उत्तरदायी हैं, तथा उनके आपसी संबंधों को परिभाषित भी किया जाता है। यही जो आपका संबंध, आप किसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, किसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है। मात्र एक व्यक्ति का होना संगठन नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो है दूसरा चीज, जो व्यक्तियों का समूह होना चाहिए कार्य को संपादित करने के लिए, कार्य को अंतिम रूप में लाने के लिए, संपन्न कराने के लिए, वह एक व्यक्ति से नहीं होगा। और एक व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो वह संगठन नहीं है। संगठन का मतलब ही हुआ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह। तो ये जो समूह होता है इसमें आपसी संबंधों को परिभाषित किया जाता है, इसलिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है संगठन के लिए। तीसरा है मानवीय व भौतिक साधनों में समन्वय। मानव तथा भौतिक संसाधन मिलकर ही उत्पादन या सेवा कार्य करते हैं। श्रमिक एवं कर्मचारी कच्चे माल, मशीन या वित्त की सहायता से माल का उत्पादन व विक्रय करते हैं।
अच्छा संगठन वही कहलाएगा जिसमें मानवीय व भौतिक संसाधनों में ऐसा सामंजस्य हो कि उनका सर्वोत्तम उपयोग संभव हो सके। ये जो मानवीय और भौतिक संसाधन होते हैं, बगैर मानवीय प्रयास के भौतिक संसाधन में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, भौतिक संसाधन यथावत रखा रह जाएगा। इसलिए कहता है कि मानवीय और भौतिक संसाधन जो है संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक है कि मानवीय ह्यूमन रिसोर्स जो है और नेचुरल रिसोर्स जो है इस दोनों में समन्वय स्थापित हो, और जब तक यह समन्वय स्थापित नहीं होगा दोनों में, तब तक उत्पादन या सेवा का कार्य संभव नहीं हो पाएगा। यह दोनों जब तक नहीं मिलेगा तब तक सेवा या उत्पादन कार्य नहीं, दोनों मिलकर की ही यह उत्पादन या सेवा कार्य कर सकते हैं। श्रमिक एवं कच्चा माल जब तक एक साथ नहीं होगा, कच्चा माल रखा हुआ है, श्रमिक अगर उसको कुछ नहीं करता है तो वह कच्चा माल ज्यों का त्यों रखा रहेगा। श्रमिक है और कच्चा माल अगर उपलब्ध नहीं है तो श्रमिक यूं ही बेकार बैठा रहेगा, बगैर कच्चे माल के वह कुछ नहीं कर पाएगा, बगैर मशीन व वित्त की सहायता से माल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो ये जो सारे संसाधन हैं हमारे पास मानवीय और भौतिक, इनके बीच में एक समन्वय स्थापित करना करने के लिए संगठन चाहिए, बगैर संगठन के यह संभव नहीं हो पाता है। और अच्छा संगठन वही कहलाता है जिसमें मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच में सामंजस्य हो, और वह सामंजस्य ही हमको सर्वोत्तम उत्पाद दे सकता है। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस, संगठन एक प्रक्रिया के रूप में। संगठन का कार्य भी एक प्रक्रिया के रूप में चलते रहता है, फुल स्टॉप इसमें भी नहीं होता है। संगठन कार्य एक प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन संरचना में क्रमानुसार विभिन्न कदम उठाने होते हैं, एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, यह संगठन कार्य में भी चलता रहता है। क्या स्टेप्स होते हैं? प्रकृति के अनुसार कार्यों का विभाजन करना, नेचर जो है, स्वभाव जो है, उसके हिसाब से जिस तरह का जो कार्य है, कार्यों की जो प्रकृति है उसके हिसाब से कार्य का विभाजन करना, जैसे क्रय विभाग, क्रय कार्य, विक्रय कार्य, उत्पादन कार्य, तो इस तरह से कार्यों का विभाजन करना प्रकृति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, प्रत्येक कार्य को छोटी छोटी क्रियाओं में समूहबद्ध करना, जितने भी कार्य हैं उनको छोटी छोटी क्रियाओं में हम लोग समूहबद्ध करते हैं। तीसरा स्टेप होता है क्रियाओं के प्रत्येक समूह को उपयुक्त व्यक्ति को सौंपना। जब कार्य का प्रकृति के अनुसार विभाजन हो जाता है, फिर उसका समूहीकरण हो जाता है, छोटी छोटी क्रियाओं में समूहीकरण हो जाता है, तो फिर उसके बाद प्रत्येक समूह को उपयुक्त व्यक्ति को सौंपना, जो ये कार्य का जो समूह हम बनाए, छोटा छोटा समूह बनाए, उसको करने वाला जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको वह कार्य का दायित्व सौंपना, उस कार्य को करना, करने का दायित्व सौंपना, यह तीसरा स्टेप होता है प्रक्रिया का। चौथा है अधीनस्थों को अधिकांश कार्यों का अंतरण करना, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे अधीन जो कार्य करते हैं उसमें जो है कार्यों का अंतरण करना, उसके उस अपने से नीचे वालों के बीच में जो है सो कार्य, अधिकांश कार्यों का को डेलीगेट करना, अंतरण करना, तो ये हमारे संगठन विधि, मतलब संगठन का जो है सो एक प्रोसेस होता है, ये संगठन की स्वभाव होता है, उसकी एक विशेषता होती है। पांचवा है औपचारिक संबंधों की स्थापना करना, एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल रिलेशनशिप। एक अच्छा संगठन संरचना में यह आवश्यक है कि प्रत्येक अधिकारी के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट हो,
ये जो है औपचारिक संबंधों की स्थापना, तो औपचारिक संबंध कैसे स्थापित होगा? जब तक कि उस संगठन में कार्य करने वाले जितने अधिकारी हैं, जितने लोग हैं, उनके अधिकार एवं दायित्व का को स्पष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक उनके बीच में संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। किससे किसका क्या संबंध है? तो जब तक यह अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट नहीं होंगे, दायित्व स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक यह संबंध उभर कर सामने नहीं आएगा। अपने बॉस, अधीनस्थों एवं अन्य अधिकारियों से क्या संबंध होंगे? हमारा जो बॉस होगा, हम कहां उनके प्रति किस चीज के लिए हम उत्तरदायित्व तो होंगे, हमारा दायित्व तो क्या होगा, उनके प्रति कर्तव्य क्या होगा, कौन किसके आदेश का पालन करेगा, कौन किसको आदेश दे सकता है, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, आदि की स्पष्ट व्याख्या की जाती है संगठन के अंतर्गत। कोई किसी को आदेश नहीं दे सकता, हर आदमी हर किसी को आदेश नहीं दे सकता है। उसका यह एक तरीका बना है, तौर तरीका है। क्रय विभाग वाले को विक्रय विभाग के किसी कर्मचारी से कुछ ये करना है, तो विक्रय विभाग का कर्मचारी अपने विक्रय विभाग के अधिकारी के प्रति दायित्व है, वह उसके प्रति लायबल है। अब दूसरे डिपार्टमेंट वाले अगर उससे कुछ ये करवाना चाहते हैं, तो उसको विक्रय विभाग के अधिकारी को अनुरोध करके वहां तब जो है तो कर्मचारी के पास आदेश को पारित करवाना होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, तो ये सारा चीज डिफाइन होता है जो, और यह डिफिनेशन ही औपचारिक संबंधों की स्थापना करता है, उनके बीच में जो है सो फॉर्मल रिलेशन को जोड़ता है, जो कौन कैसे किसके प्रति कहां दायित्व है, किसके किसके आदेश के तहत कौन काम करेगा, कौन किसको आदेश दे सकता है, कौन किसके आदेश का पालन करेगा, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये सब की स्पष्ट व्याख्या ऑर्गेनाइजेशन में की है। ये इसका इसकी विशेषता है, ये इसका स्वभाव है। छठा, नेतृत्व एवं निर्देशन का होना। प्रत्येक संगठन में नेतृत्व और निर्देशन का होना अनिवार्य है। नेतृत्व के निर्देशन में ही लोग कार्य कर सकते हैं। जब तक कोई नेतृत्व तो नहीं होता है, जहां पर व्यक्तियों का समूह होता है वहां पे लीडर का होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति का समूह बिना नेता के दिशाहीन होता है, इसलिए संगठन में नेतृत्व और उस नेतृत्व द्वारा निर्देशन का होना अनिवार्य है। तो संगठन की यह विशेषता है, उसका यह स्वभाव है कि उसमें लीडरशिप का होना आवश्यक है, निर्देशन का होना अनिवार्य है। अगर यह नेतृत्व के निर्देशन में ही लोग कार्य कर सकते हैं, जो नेतृत्व है उसका जो निर्देश आएगा, तभी व्यक्ति का समूह उस ओर काम में आगे बढ़ेगा, अन्यथा वह समूह जो है सो दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए संगठन में नेतृत्व और निर्देशन का होना अनिवार्य होता है। ये तो हो गई संगठन की प्रकृति अथवा उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब है संगठन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन कार्य उपक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब तक संगठन का मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर, तो जब तक हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? हमारे पास जब तक हैंड्स नहीं होंगे, व्यक्ति नहीं होंगे, तो हम काम कैसे करेंगे? इसलिए संगठन का जो है सो यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन जो है उपक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। फर्म की सफलता बहुत कुछ संगठन की उपयुक्त संरचना पर निर्भर करती है। किसी भी उपक्रम की सफलता, फर्म की सफलता, उसके उपयुक्त जो है सो परफेक्ट स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। क्योंकि कोई भी ये जो मानवीय और भौतिक संसाधनों का जो समन्वय होता है, इसका जो सदुपयोग होता है, यह उसी पर निर्भर करता है। संगठन संरचना मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय व सदुपयोग को संभव बनाता है।
बगैर संगठन के, बगैर संगठनिक संरचना के हमारा जो है सो मानवीय एवं भौतिक संसाधन में समन्वय स्थापित हो नहीं सकता है, उसका सदुपयोग हो नहीं सकता। संगठन संरचना पर वायु वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जो संगठन हम जब बनाते हैं तो उसपे हमारे आंतरिक वातावरण के साथ साथ, आंतरिक वातावरण में तो आ गया कि हम जिस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए किस तरह का मतलब वातावरण चाहिए। तो ये तो ठीक है कि फला चीज का प्रोडक्शन हमको करना है, इसके लिए क्या क्या वातावरण हमको चाहिए, वो क्या मशीन चाहिए हमको, क्या रॉ मटेरियल चाहिए हमको, कितना हैंड चाहिए हमको, तो ये सब चीज हो गया आंतरिक वातावरण के अंतर्गत। लेकिन जब हम संगठन की संरचना करने लगते हैं तो हमको जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जो बाह्य घटक है, बाहरी तत्व है, उसका भी ध्यान इसमें रखा जाता है, क्योंकि बाहरी वातावरण का भी प्रभाव हमारे संरचना पर पड़ता है। संगठन संरचना को एक प्रक्रिया कहा गया है। ये जो संगठन की संरचना होती है यह इसको एक प्रक्रिया कहा गया है, प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि संगठन संरचना में क्रमिक रूप से एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं? तो पहला उद्देश्यों की स्थापना, जो कि हम पहले भी आपको बताए हैं, इसकी जो विशेषता के अंतर्गत आया है, उसी तरह से इस प्रोसेस के अंतर्गत जो क्या क्या ये प्रोसेस क्या पूरा होता है संगठन का, तो सबसे पहला प्रोसेस के अंतर्गत आता है संगठन में उद्देश्य की स्थापना करना। ये जो स्टेप्स होते हैं संगठन का, जो स्टेप्स है कि कैसे संगठन हम करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम उद्देश्यों की स्थापना, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। संगठन संरचना को व्यवहारिक रूप उद्देश्यों के आधार पर ही दिया जा सकता है कि हमको क्या करना है। हमको टाटा जाना है, हमको चायवासा जाना है, पहले यह उद्देश्य निर्धारित होगा, उसके बाद यह निर्धारित होगा कि हम चार आदमी, मतलब ये हो गया कि हमको चार आदमी को टाटा जाना है। अब यह जब हो गया कि चार आदमी को टाटा जाना है या चायवासा जाना है हमको, यूनिवर्सिटी के काम से, कॉलेज के काम से फला फला व्यक्ति जाएंगे, फला व्यक्ति फला अधिकारी से मिलेंगे, फला व्यक्ति फला अधिकारी से मिलेंगे, तो ये जब पहले तो उद्देश्य हो गया कि हमको वहां जाना है, अब जाने के लिए तब उसके बाद हम करेंगे कि बस से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे कि कार से जाएंगे कि प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये जो है हमारा सबसे पहले संगठन, तो ये जो संरचना हुई कि हम जाएंगे कैसे, ये उद्देश्य पर निर्भर किया। अगर अकेला आदमी को जाना होता तो व्यवस्था कुछ और हो सकती थी। तो संगठन संरचना को व्यवहारिक रूप जो है, संरचना जो हमारा बनेगा, स्ट्रक्चर जो हमारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो हम समूह तैयार करेंगे, यह निर्भर करेगा हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के आधार पर ही संगठन की संरचना का वो हम व्यवहारिक रूप दे सकते हैं, किस तरह का वो संरचना हमको तैयार करना है। उद्देश्य या लक्ष्य जो भी है, यही जो है सो उपक्रम के कार्यों तथा व्यूह रचना का निर्धारण भी करता है। जो उद्देश्य है उसी हिसाब से हम जो उपक्रम का जो कार्य है उसके लिए जो स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं उसका निर्धारण भी यह उद्देश्य ही करता है, और जिसके अनुसार संगठन की संरचना की जाती है। दूसरा है कार्यों का निर्धारण एवं विभाजन, डिटर्मिनेशन एंड डिविजन ऑफ एक्टिविटीज। उद्देश्य एवं लक्ष्यों की स्थापना के बाद व्यूह रचना के आधार पर उन कार्यों का निर्धारण किया जाता है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए करना आवश्यक है। जब हमारा उद्देश्य निर्धारित हो जाता है, लक्ष्य की स्थापना हो जाती है, व्यूह रचना के आधार पर उन कार्यों का निर्धारण किया जाता है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए करने पड़ते हैं। इसके बाद इन संपूर्ण कार्यों को
उनकी प्रकृति के अनुसार विभाजित किया जाता है। जितने भी कार्य हैं उस कार्य की अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग जो है सो उसका स्वभाव होता है, उसके अनुसार कार्यों को हम विभाजित करते हैं। यानी एक तरह के कार्यों को एक इसमें अलग अलग जो कार्य हैं तो उसको समूह में हम बांटते हैं, जो कौन सा कार्य किस प्रकृति का है, और एक मतलब एक ही स्वभाव वाले कार्यों को एक जगह हम समूहबद्ध करते हैं। जैसे मान लीजिए क्रय कार्य, विक्रय कार्य, लेखा कार्य, वित्त कार्य, उत्पादन कार्य, श्रमिकों का प्रशिक्षण, श्रम सुरक्षा का कार्य, ये सारे कार्य जो हैं, जितने काम करने पड़ते हैं इनको हम अलग अलग उसके स्वभाव के हिसाब से पहले समूहबद्ध करते हैं और उसको उस विभाग से जोड़ देते हैं। जैसे जब हम उनके प्रकृति के अनुसार कार्य को कर देते हैं तो तब फिर क्रय से संबंधित जितने भी काम हैं वो क्रय विभाग के अंतर्गत देखे जाएंगे, किए जाएंगे। उत्पादन से संबंधित जो कार्य हैं वो उत्पादन विभाग में देखे जाएंगे, किए जाएंगे। लेखा से संबंधित कार्य लेखा विभाग में देखे जाएंगे, किए जाएंगे। इस तरह से हम कार्यों का पहले हम निर्धारण करते हैं और फिर उसका विभाजन करके उसको प्रकृति के अनुसार उसको विभाजित करके काम का प्रारंभ करते हैं। तीसरा है क्रियाओं का समूहकरण, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। कार्य का विभाजन व सरलीकरण करने के बाद उन्हें विभागीय रूप में समूहबद्ध किया जाता है। जब कार्य को का हम विभाजन कर लेते हैं, उसका सरलीकरण कर लेते हैं, सिंप्लीफाई उसको हम कर देते हैं, तब जो है उसके बाद उनको विभागीय रूप में समूहबद्ध किया जाता है। जैसा कि अभी पहले हम बताएं कि हर विभाग का जैसे होता है कि श्रम सुरक्षा का कार्य करना है, श्रम कल्याण का कार्य करना है, श्रम संबंध है, मजदूरी भुगतान है, कर्मचारी का चुनाव है, प्रशिक्षण है, अलग अलग प्रशिक्षण की क्रियाएं हैं, तो इन समूह को हम जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट में समूहबद्ध कर सकते हैं। इस तरह का जो ये एक सेम स्वभाव वाला काम है तो इस सब का एक समूह बना करके इसको हम पर्सनल विभाग से अटैच कर दिए। अब ये सारे क्रिया जो है सो पर्सनल विभाग करेंगे। उसी तरह से सेल्स का, सेल्स के अंतर्गत जितने भी क्रियाएं होंगी वो सारे सेल्स डिपार्टमेंट हमारे देखेंगे। तो यही हो गया क्रियाओं का समूहकरण करना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। चौथा है कर्मचारी एवं भौतिक आवश्यकताओं का अनुमान, असेसमेंट ऑफ पर्सनल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। जो कर्मचारी हमारे पास है या भौतिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसका अनुमान लगाना, जो कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कितने जो है सो हमारे पास नेचुरल जो है ये भौतिक जो हमारे पास फिजिकल रिक्वायरमेंट कितना होगा इसका अनुमान लगाना। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित जो हमारे पास कार्य हैं उसके अनुरूप कर्मचारी व भौतिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाना। जो कार्य हमारा है, जो उद्देश्य है, उसको काम करने में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी भौतिक आवश्यकताएं इसके लिए क्या क्या होगी, इन बातों का अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना, ये जो है सो प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद पांचवा स्टेप होता है प्रबंधकीय स्तरों की संरचना, क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। जब कार्यों व क्रियाओं के लिए प्रबंधकीय व्यक्ति तथा भौतिक संसाधन का बंटन कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, अर्थात क्रिया कार्यों को विभिन्न प्रबंधकों में बांट दिया जाता है तथा उन्हें संबंधित अधिकार व दायित्व भी सौंप दिए जाते हैं। मतलब जब कार्य या जो क्रिया करनी है उसके लिए प्रबंधकीय व्यक्ति तथा भौतिक जो संसाधन है उसका उसको बांट दिया जाता है, अर्थात कार्य को विभिन्न जो हमारे प्रबंधक हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हमारे प्रबंधक हैं उनके बीच में बांट दिया जाता है तथा उनको उससे संबंधित अधिकार भी दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पर्सनल डिपार्टमेंट से संबंधित सभी संसाधन, अधिकार तथा दायित्व
पर्सनल डिपार्टमेंट के मैनेजर को, पर्सनल मैनेजर को सौंप दिए जाएंगे, परंतु उनके अधीन प्रत्येक उपकार के लिए अलग अलग अधीनस्थ अधिकारी होंगे, जैसे श्रम कल्याण अधिकारी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर। तो एक तो वो डिपार्टमेंट हुआ जिसके की एक मैनेजर बनाए गए, उनके अंतर्गत ये सारा कार्य है, लेकिन वह प्रबंधक भी इन सारे कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को जो उनके अधीन काम कर रहे हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अधीनस्थ अधिकारी रहेंगे जो उस अलग अलग कार्य को संपन्न कराएंगे। छठा स्टेप है, प्रोसेस है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण। कार्य को सुचारू ढंग से या क्षमतापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारों का अंतरण किया जाता है। डेलीगेशन ऑफ जो अथॉरिटी है, जो हमारे पास अधिकार है, उस अधिकार को हम अंतरित करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है, श्रम कल्याण अधिकारी को, लेबर वेलफेयर ऑफिसर को यह अधिकार दे सकता है कि 12,000 रुपये तक वार्षिक बजट वाली श्रम कल्याण योजनाएं वह बगैर किसी स्वीकृति के लागू कर सकता है। अगर वेलफेयर का काम वह पदाधिकारी है तो उससे यहाँ पे दो तरह की बातें हो सकती है, कि उसका हाथ बंधा हुआ रह सकता है कि तुम एक भी योजना स्वीकृत नहीं कर सकते। तो यह हो गया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसमें नहीं हो रहा है। उसको कहा जाएगा कि ऐसी अगर कोई योजना है तो तुम जो है उस योजना को बना करके हमारे पास भेजो, और अगर उसके पास भी अधिकार नहीं है तो वह उसको अप्रूव करके ऊपर वाले को भेजेगा, और इस तरह से अधिकार ऊपर में सीमित है, और वहां से जब फिर वो मंजूर होकर के आएगा, रिकमेंड होकर के आएगा, तब वह योजना फिर नीचे में लागू होगी। लेकिन अधिकार का अंतरण क्या होता है कि अधिकार ऊपर से नीचे अपने पदाधिकारी को एक सीमित दायरे में अधिकार का अंतरण किया जाता है कि यहाँ तक का ये कार्य जो है तुम इसको अपने स्तर से कर सकते हो, इतना तक करने के लिए तुम फ्री हो। उसी तरह से अगर एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर को यह अधिकार दिया जाए कि सर्टेन अमाउंट तक का, 10,000, 20,000, 25,000 सालाना तक का कोई भी वेलफेयर का कार्य तुम अपने मन से कर सकते हो, इसके लिए तुमको किसी की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं हो, बशर्ते वह लेबर वेलफेयर से संबंधित कार्य हो, इसको हम अधिकार का अंतरण करते हैं। सातवां स्टेप होता है उत्तरदायित्व वहन करना, अकाउंटेबिलिटी। एक बार कार्य को संपन्न करने के लिए जब अधीनस्थ अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार अंतरित कर दिए जाते हैं तो वे अधिकारी परिणामों के लिए भी उत्तरदायी हो जाते हैं। आपको कोई अधिकार दिया गया, कार्य करने के लिए कहा गया कि आप ये कार्य कीजिए, इसके लिए आपको इतना खर्च करने के लिए दिया जा रहा है, और आपने अपनी स्वीकृति दे दी, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो जब ही आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो आपको तो वो अधिकार मिल गया, आपके पास तौर तरीका दिया हुआ है, लक्ष्य दिया हुआ है, संसाधन दिया हुआ है, और इतना के बाद आपने जो है सो अपनी स्वीकृति भी भर दी, एक्सेप्टेंस भी दे दिया। तो अब आपका जो है यह उत्तरदायी तो बन जाता है कि आप उस कार्य को अंतिम रूप प्रदान करें। तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, यह जो अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा आपको, और ऑर्गेनाइजेशन में यह होता है कि अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाती है और वह व्यक्ति उसके लिए अकाउंटेबल होता है। उत्तरदायित्व का आशय प्रत्येक प्रबंधक को भली भांति स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी है, हम किस किस कार्य के लिए अकाउंटेबल है। वह केवल स्वयं द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि अपने अधीनस्थों के कार्य के लिए भी वही उत्तरदायी होता है। कोई मैनेजर अपने अधीनस्थ को, सपोज कीजिए कि पर्सनल मैनेजर अपने
लेबर वेलफेयर अफसर को जो कार्य सौंपता है उसके लिए जब वह उसको अधिकार देता है, अथॉरिटी डेलीगेट करता है, तो वह अधीनस्थ कर्मचारी अपने मैनेजर के प्रति अकाउंटेबल है। लेकिन वह जो है सो सिर्फ मैनेजर यह कह के नहीं निकल सकता है कि यह कार्य मेरा नहीं है। वह मैनेजर जो है सो अपने ऊपर के पदाधिकारियों के पास उस कार्य के अपने अधीनस्थ के काम के लिए वह अकाउंटेबल है। उसकी अकाउंटेबिलिटी वहां भी तय है, वहां पर भी उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो ये तो हो गया संगठन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। एक छोटी सी चर्चा आज हम लोग और कर लें, की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, संगठन प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। एक संगठन प्रक्रिया के विभिन्न आधारभूत तत्व होते हैं, कई एक आधारभूत तत्व है जिनमें प्रमुख जो है उसकी चर्चा अभी हम लोग यहां पर कर रहे हैं। पहला है डिपार्टमेंटेशन, विभागीयकरण, विभाग में बांटना। विभागीयकरण से आशय एक उपक्रम के विभिन्न कार्यों को, जो कोई उपक्रम है उसमें जो विभिन्न कार्य हैं, उन कार्यों को प्रकृति के अनुसार इस प्रकार समूहबद्ध करना जिससे कि सभी विभागों में समन्वय स्थापित हो सके और संगठन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव हो सके। ये विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, सेवा वित्तीय विभाग, आवश्यकता अनुसार कई रूपों में हो सकते हैं। कभी कभी विभागीयकरण भौगोलिक तथा उत्पादन के आधार पर भी किया जाता है। कभी कभी जो ये डिपार्टमेंट जो हम बनाते हैं, डिपार्टमेंटेशन जब हम करते हैं, तो यह जो है भौगोलिक या उत्पादन का जो स्वभाव है उसके आधार पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार विभागीकरण का अर्थ हुआ कि हम विभिन्न कार्यों को उनके समूह के, उनके प्रकृति के अनुसार समूहबद्ध करते हैं और उस समूहबद्ध कार्यों को संबंधित विभाग से जोड़ देते हैं। इसी को हम लोग विभागीकरण कहते हैं। और यह इस तरह से करके हम विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं और संगठन साथ, और जिससे कि हमको संगठन का जो संसाधन है उसका सर्वोत्तम उपयोग संभव हो सके। ये की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इस पे आपको शॉर्ट आंसर आ सकता है। दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा है अधिकार अंतरण व विकेंद्रीकरण, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन तो आपको हम बता चुके हैं कि क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कार्यों के विभागीकरण के साथ साथ इस बात की आवश्यकता होती है कि विभागीय कार्यों का दायित्व उपयुक्त व्यक्तियों को सौंपा जाए। जब हम विभागीयकरण करते हैं, डिपार्टमेंटेशन करते हैं, तो उसमें इस बात की आवश्यकता होती है कि विभागीय कार्यों का दायित्व जो उस विभाग में उपयुक्त व्यक्ति हैं उसको सौंपा जाए। जैसे लेखा विभाग, लेखा विभाग में कैश का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, इनकमिंग होता है, आउटगोइंग होता है, और भी कई एक तरह के कार्य होते हैं, बजट बनता है, पेमेंट होता है। तो ये जो कार्य
विभागीय कार्य जो है उसमें उसका दायित्व जो है उस कार्य के लिए जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको सौंपा जाए। इनकमिंग के लिए एक व्यक्ति अलग रखा जाए कि क्या क्या आमदनियां हो रही हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंड्स कहाँ से आ रहा है। एक अलग व्यक्ति जो है सो आउटगोइंग एक्सपेंडिचर के लिए रहेगा, कहाँ कहाँ कौन सा खर्च हो रहा है, कितना चेक कट रहा है, किस बैंक का चेक कट रहा है, कहाँ क्या बैलेंस है। तो ये जो तरीका है कि विभाग का जो कार्य है वह उपयुक्त व्यक्ति को सौंपा जाए और वह जो है सो उच्च प्रबंध के निर्देशों के अंतर्गत जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके जो निर्देश हैं उस निर्देश के अंतर्गत दक्षतापूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन वह करे। दायित्व के साथ साथ उन्हें अधिकारों का अंतरण भी किया जाना चाहिए। जब हम दायित्व देते हैं तो उसके साथ अगर हम उसको अधिकार नहीं देते हैं तो वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएगा। किसी भी व्यक्ति को आप सिर्फ काम करने के लिए कह दीजिए और काम करने के साथ साथ अगर उसको कुछ अधिकार आप नहीं देते हैं, जैसे आप किसी को कहिए कि यहाँ के सामने फील्ड का जो है सो जंगल साफ करो, और अगर वह जंगल साफ करने में वह कोई लेबर लग गया तो उस जंगल में कुछ ऐसा भी होगा जिसको कि काट के ही हम हटा सकते हैं, वह हाथ से उखड़ने वाला ना हो। अगर उसको यह अधिकार ना दिया जाए कि तुम उस जो जंगल है उस तरह का जो पौधा है उसको तुम काट के हटा दो, तो वह क्या करेगा? जो उखड़ने वाला पौधा है उसको तो उखाड़ देगा, बाकी को वह नहीं कर पाएगा, और नतीजा रिजल्ट क्या होगा कि जो हम साफ करवाना चाह रहे थे वह साफ नहीं हो, जंगल साफ नहीं हो पाएगा। तो अधिकारों का अंतरण भी बहुत ही आवश्यक होता है दायित्व प्रदान करने के साथ साथ। अधिकार व दायित्वों का अंतरण करते समय देखा जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रबंधक का नियंत्रण विस्तार, जो प्रबंधक है उस समय उसको यह देखा जाना चाहिए कि जो वो जो प्रबंधक है उसका नियंत्रण विस्तार सीमा बहुत अधिक न हो जाए, अन्यथा वह अपने अधीनस्थों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकेगा। जो दायित्व या अधिकार जब हम प्रदान करते हैं किसी को, उसका जब अंतरण करते हैं, डेलीगेशन जब होता है, तो उस समय यह देखना बहुत आवश्यक होता है कि वह जो प्रबंधक है उसके नियंत्रण का विस्तार सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हम उसके ऊपर भार डाल देते हैं तो फिर वह अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए वह विस्तार जो है, नियंत्रण का जो विस्तार है, कंट्रोल का जो विस्तार है, वह सीमा से अधिक नहीं हो, नहीं तो वह अपने अधीनस्थों पर इफेक्टिव नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर पाए। तीसरा है औपचारिक संबंधों की स्थापना, सेट फॉर्मल रिलेशंस। संगठन का कार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को समन्वित करना। संगठन क्या करता है? जो उद्देश्य है वह उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह जो मानवीय संसाधन जुटाता है एवं भौतिक संसाधन जो उसके पास है उस दोनों में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, जिससे कि काम आगे बढ़ता है। इस कार्य में विभिन्न विभागों या प्रबंधकों के मध्य अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के अनुसार पारस्परिक औपचारिक संबंधों की स्थापना करनी होती है। जो उद्देश्य है हमारा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में को समन्वित करते हैं, और जो विभिन्न विभाग या प्रबंधक के मध्य इस कार्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, जो विभिन्न प्रबंधक हैं, उनके मध्य जो है हम अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के अनुसार एक पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं कि कौन किसका अधीनस्थ है
अथवा किसके प्रति जवाबदेह है, कौन व्यक्ति किसके प्रति जवाबदेह है, वह अकाउंटेबल किसके साथ है, किस व्यक्ति के लिए वह अकाउंटेबल है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सारे चीज जो है सर ये औपचारिक संबंध के अंतर्गत आते हैं और इसका निर्धारण करना संगठन का मुख्य तत्व होता है, उसका की एलिमेंट्स है कि वह इन औपचारिक संबंधों की स्थापना करे। इन संबंधों को मूर्त रूप देने के कई प्रारूप हो सकते हैं, इसका कोई एक पैटर्न हो सकता है। यह संबंध जो है इसको सही रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए कई पैटर्न हो सकते हैं और इन प्रारूपों को ही संगठन संरचना के नाम से जाना जाता है। इसका जो फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है, वो अलग अलग स्वभाव वाले संगठन के लिए अलग अलग तरीके का हो सकता है, जिसको कई एक नामों से जाना जाता है, संगठन संरचना के नाम से जाना जाता है। और ये पैटर्न है जैसे रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा एवं स्टाफ संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आदि। तो ये जो है सो ये संबंध को मूर्त रूप जो हम लोग देते हैं, जो ये औपचारिक संबंध जो बनता है, ये अलग अलग पैटर्न पे बन सकते हैं और वह पैटर्न होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से करके हम एक संगठन का पैटर्न तैयार करते हैं और उस आधार पर इन विभिन्न विभागों, प्रबंधकों एवं वहां काम करने वाले जो लोग हैं, श्रमिक हैं, पदाधिकारी हैं, अधीनस्थ हैं, जो भी हैं, उनके बीच में एक औपचारिक संबंध की स्थापना करके एक दूसरे के प्रति उसको जवाबदेह करते हैं, अधिकार का अंतर करते हैं। ठीक, थैंक यू।